क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कहा था, वो फार्मूला क्या था, किस इक्वेशन पर वो अप्लाई होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जिसकी जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या चीज है यार, जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली कैसे लिखा जाता है इस तरह से? बड़ी आसान सी बात है, ए के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट मल्टीप्लाई होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के साथ जो कोफिशियंट मल्टीप्लाई होता है उसको बी बोलते हैं, और जो बगैर किसी वेरिएबल के लिखा होता है उसको सी बोलते हैं। ये इतनी आसान बात है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये ए, ये डमी नंबर्स हैं, ए बी एंड सी। ये क्या है, ये नंबर्स हैं। कौन है ये तीनों नंबर्स? ए बी और सी कौन है बच्चों? नंबर्स हैं। ए बी और सी नंबर्स हैं। ए और बी को नंबर्स की दुनिया में, मतलब ये कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर का और एक्स का, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल में। देखे ना कितनी दफा रिपीट करा चुका हूं मैंने, को मेरे ख्याल है 25 दफा तो बोल चुका हूं डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ, फिर भी आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब आप खुद सोच लें, आपका अपना फैसला ये कि बाकायदा मुझे बाज़ औक़ात ना पढ़ाते हुए समझ आता है अकल बड़ी या भैंस, तो मुझे अक्सर औकात भैंस बड़ी लगती है। तो आपकी अकल कहाँ जाती है जब मैं ये बातें बोल रहा होता हूँ, है? तवज्जो रखें। तो ये क्या होगा, इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखेंगे, -10t² प्लस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उमर अहमद, इसको अरेंज करके लिखेंगे -10t² प्लस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों तवज्जो से सुने प्लीज, ऐसा लिखा सारों ने? मैंने जिन जिन का काम चेक किया हाफ ने ऐसा लिखा ही नहीं और सवाल सॉल्व करने चले। तो तवज्जो से सुने प्लीज, आपने पहले इसको अरेंज किया इस तरह से लिखा और फिर आंसर निकाला। अब मुझे एक बात बताएं, अब ये वाली इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है? जनरल फॉर्म में एक्स है, यहां पे वेरिएबल कौन सा वाला है? टी है वेरिएबल, ठीक है? तो आपका बाय द वे इसमें ए कौन होगा, ए कौन होगा? दुनिया ने पता क्या माइनस टेन को बी मान लिया है, जो टी स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, तवज्जो से सुने, जो टी स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ वो कितना है? 10। मतलब जो बड़ी पावर के साथ, सबसे बड़ी पावर के साथ जो कोफिशियंट लिखा होगा वो ए होगा, तो यहां पे टी स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा? ए। इसी तरह से टी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? 2। अब जब हम इसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला इसका होगा t इज इक्वल टू, देखें यहां पे वेरिएबल था ना x, तो इसका फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस। अच्छा कुछ बच्चों ने ना ये भी किया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें गलतियां हैं इस फॉर्मूला के अंदर। पहली गलती क्या है कि दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2a, और ये जो अंडर रूट है सिर्फ बी स्क्वायर के ऊपर अगर होता, सोचो बी स्क्वायर पे अगर अंडर रूट होता तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाने थे? कैंसिल आउट हो जाने थे। कश्यप आपके लिए बता रहा हूं, अब ये बी स्क्वायर के ऊपर नहीं है, ये कहां पर है? ये पूरा इसके ऊपर 4ac के ऊपर भी है, इसीलिए वो कैंसिलेशन नहीं हो सकती, अदरवाइज कैंसिल होता ही। समझ आ रही बात ही कि नहीं आ रही? लेकिन यहां पे वेरिएबल एक्स था इसलिए एक्स इस्तेमाल होता है, यहां पे वेरिएबल टी है तो मैं टी के हिसाब से फॉर्मूला लिखूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बनेगा वही माइनस बी प्लस माइनस। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, फॉर्मूला बार बार लिखे आप गलत लिखते हैं ये, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से क्लियर हो रही है सारों को बात के नहीं? इस तरह से अब इसमें वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा ये टी इज इक्वल टू माइनस बी, बी 1 था तो माइनस फॉर्मूले का, तो ये माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए था माइनस 10 और सी कितना था आपके पास? 2 था। ये सबके नीचे अंडर रूट आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू
माइनस टेन। अब आगे सॉल्व करते हैं, टी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस वन प्लस फोर टेन्स आर फोर्टी, फोर्टी टू आर एटी होल डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी। तो टी इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट में आ सकता है, वन प्लस एटी इज एटी वन, वन प्लस एटी इज एटी वन। तो टी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस नाइन होल डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी होल डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी। इसके यहां से दो आंसर्स निकलेंगे, टी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस नाइन ओवर माइनस ट्वेंटी और टी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस नाइन ओवर माइनस ट्वेंटी। यहां से आंसर आएगा माइनस टेन ओवर माइनस ट्वेंटी विच इज इक्वल टू वन बाय टू, और यहां से आंसर आएगा प्लस एट डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी दैट इज माइनस टू बाय फाइव। तो टी का एक आंसर है माइनस टू बाय फाइव और दूसरा आंसर है वन बाय टू। ये क्या आ गया, ठीक है, रूट्स या सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आ गया रूट्स या सॉल्यूशन आ गया। समझ आ रही है मेरी बात सबको, यहां तक किसी का सवाल है तो पूछे। अब अगर इस सवाल की तरफ देखा जाए तो इसमें वेरिएबल एक्स है ऑलरेडी अरेंज्ड है, ऑलरेडी क्या है अरेंज्ड, एक्स स्क्वायर पहले एक्स उसके बाद में और विदाउट एक्स सबसे आखिर में। बच्चों समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है। सो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये ए क्या हो जाएगा आपका थ्री, बी क्या हो जाएगा आपका बताइए माइनस फोर, सी क्या होगा आपका सेवन हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा। बात समझ आ रही है, आप फॉर्मूला में पुट करें एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए। फॉर्मूला में देखें फिर वही इस्तेमाल कर रहा हूं। अब पुराने वाले एग्जांपल में जरा नोट करें, यहां पर क्या चीज मैं यूज कर रहा हूं टी, पुरानी वाली एग्जांपल में क्या यूज कर रहा हूं टी, और यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं एक्स। एक्स इसलिए क्योंकि सवाल का वेरिएबल क्या है एक्स है, एक्स फाइंड करना है ना इसमें, इसमें वेरिएबल सवाल का क्या था टी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं टी फाइंड कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं कि नहीं, हम यहां पे क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं टी फाइंड आउट कर रहे हैं। बच्चों सबको समझ आ रही है, ठीक है, मैं इसलिए कहती हूँ ना प्रैक्टिस खुद किया करें, आप लोग जब खुद लिखेंगे तो गलतियां करेंगे और उन गलतियों को फिर ठीक करें, और जब मैं गलती को क्लास व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर रहा होता हूँ ना तो जरूरी शर्त यह है कि आप सुन लें उस बात को, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ गलतियां कर रहा है जो मैं यहाँ पे एड्रेस कर लेता हूँ, तो सिर्फ आपकी अपनी थोड़ी सी केयरलेसनेस या कोताही की वजह से आप वो गलती मिस कर देते हैं, और ये फिर ऑब्वियसली फिर एग्जाम में तो वही गलती फिर वहां पर रिपीट भी होगी। कोई सवाल ठीक कॉपी नहीं कर रहा, कोई अंडर रूट यहाँ पे गलत लिख रहा है, कोई वैल्यूज के साथ माइनस नहीं लगा रहा। समझ आ रही है बात ही कहने, जब आप सारी चीजें ये देखें पुट करना या वैल्यूज को ठीक लिखना ये तो पहली शर्त है ना बुनियादी, कॉन्सेप्ट तो यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट तो बाद में शुरू होता है। तो पहली वैल्यूज को ठीक लिखना, फ्रैक्शन को ठीक अंडर रूट लिखना, पूरी फ्रैक्शन ठीक तरह से लिखना, ये तो बेसिक शराइत है उस चीज की। बाद में फिर अगली बात आती है कि आप ठीक करते हैं या गलत करते हैं उसको। अब इसी तरह जब मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं तो यहां पे x इज इक्वल टू बी, बी की अपनी वैल्यू क्या थी माइनस फोर, ये वाला माइनस किसका है, ये फॉर्मूला का माइनस है, किसका माइनस है फॉर्मूला का, तो माइनस यहां पे आ गया, बी के अंदर बी की वैल्यू डलेगी प्लस माइनस, बी की वैल्यू क्या है यहां पे माइनस फोर, यहां पे स्क्वायर आएगा बी का माइनस फोर इंटू ए इंटू सी होल डिवाइडेड बाय टू इंटू ए। माइनस बी फॉर्मूले का, प्लस माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वायर, अब बी की वैल्यू क्या थी माइनस फोर, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम माइनस फोर का
स्क्वायर, जो कि बाद में प्लस हो जाना है। माइनस फोर का स्क्वायर इज प्लस 16। फिर आएगा माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर तवज्जो अलिश्बा वसीम, माइनस फोर इंटू ए, ए कितना था थ्री, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशियंट है उसको ए बोलते हैं आप। यहां पे आपने लिख दिया थ्री, और सी किधर है आपका सेवन जो कि कॉन्स्टेंट है, यहां पे सी डाल दिया। फिर यहां पे कितना आएगा टू इंटू ए दैट इज थ्री। सो तवज्जो से सुने, माइनस माइनस प्लस फोर प्लस माइनस अंडर रूट फोर, माइनस फोर का स्क्वायर इज 16, माइनस फोर थ्री जार 12, 12 सेवन जार 84, होल डिवाइडेड बाय, मैं स्टिल देखें आखिरी स्टेप तक होल का लफ्ज इस्तेमाल करूं, होल डिवाइडेड बाय दिस होल, तो आपने भी यही अल्फाज इस्तेमाल करने, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 84 कितना होता है माइनस 68 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 6। सिंस देयर इज एन अंडर रूट, सबसे पहले याद रखें जब कभी अंडर रूट में माइनस आ रहा हो ना तो एकदम आपने अलर्ट हो जाना है कि कहीं आपने तो कोई गलती नहीं की, क्योंकि ऐसा कब होता है, कुछ 100 सवाल अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो एक या दो सवाल में ऐसा सिनेरियो होगा, तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं कि कभी ऐसा आए एग्जाम में भी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बहुत कम चांसेस है, दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत कम चांसेस है ऐसी कोई चीज एग्जाम में आपके आए, अगर आ जाए तो 98% चांस किस चीज के हैं, आपने खुद चेक करना कहीं आपने गलती ना कर दी हो, जैसे मेजोरिटी बच्चों ने वैल्यूज गलत कॉपी कर ली होती हैं, उन्होंने अरेंज नहीं किया होता, अगर आपने वैल्यूज भी अरेंज भी कर लिया, वैल्यूज पुट भी ठीक तरह से कर ली और बहुत बार उसको चेक कर लिया, तब आप इसको कह सकते हैं आंसर में क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। यहां भी क्वेश्चन छोड़ेंगे और अंग्रेजी में आंसर लिखेंगे तो इसका नंबर आपको मिल जाएगा, इस अंग्रेजी में इस जुमले का यूं लिखेंगे, या ये वाला आंसर लिख सकते हैं, छोड़ना नहीं है, अंग्रेजी में आंसर लिखना है, इसका आंसर इसका इंग्लिश वाला है, नो रियल रूट्स इसका आंसर है, ये छोड़ना इसका आंसर नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, आप या तो लिखेंगे नो रियल रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, इन तीनों में से कोई भी बात लिखेंगे तो ये आपका आंसर तस्वर किया जाएगा, अदरवाइज आंसर का नंबर नहीं मिलेगा, प्रोसेस का मिल जाएगा। नोट कर रहे हैं कि नहीं, बात फॉलो कर रहे हैं, प्लीज बताएं मुझे, नहीं समझ आई, यहां तक किसी के कोई सवाल है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो छोटे छोटे नोट्स लाजमी हर लाइन के ऊपर लिखा करें अपनी मदद के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे दे आर लाइक केपेबल ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स, लेकिन उनकी इस तरह की सिर्फ चीजें इग्नोर करने की वजह से उनके शायद गलतियां ज्यादा होती हैं, तो हर स्टेप के ऊपर ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा करें कि स्टेप का मतलब क्या है, यहां पे क्या गलती हो सकती है, सारा कुछ लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 5-4 की तरफ जब हम आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी ब्रैकेट्स लिखी हुई और राइट के ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट को जरा सॉल्व करें, 2x को मल्टीप्लाई कराएं इसके साथ और प्लस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर दोबारा इसके साथ, तो 2x को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये जगह 2x इंटू 5x माइनस 4 प्लस 1 इंटू 5x माइनस 4, और इसको फॉर्मूला के हिसाब से ओपन कर लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है अब बताओ रायान, ये कौन सा फॉर्मूला है, एक मिनट रायन बताएगा ये फॉर्मूला कौन से वाला है, एक मिनट कोई नहीं, सिर्फ रायन, इसका आंसर क्या आएगा, एक मिनट सिर्फ रायन, और उसको जब ओपन कर लेंगे एंड वाला आंसर बताओ, इसको देख के फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर लगा हुआ तो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, चलो ये बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, बोलो जरा, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, क्या ये इसके इक्वल होता है, ये जो मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा ये आपने 100 दफा मुझे लिख के दिखाना, कितनी दफा 100 दफा, फॉर्मूला क्या है बेसिकली,
a minus b whole square is equals to a square plus b square. कितनी दफा लिखना है? 100 दफा. ये वाला फॉर्मूला लिखना है और 100 दफा दूसरा कौन सा लिखना है? a plus b whole square आ जाएगा. तो इसको किस तरह से लिखेंगे? a square plus plus b square. मुझे एक बात बताएं, ये बात हम कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते. ये हमने इंडेक्सेस में भी ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो ये तो हमने बहुत बार ये बात ऐसे नहीं लिखना, अपने का फिर ऐसे लिखना है. तो आपने कितनी दफा ये दोनों फॉर्मूलाज लिखने हैं? 100 दफा. ठीक है. और एक और चीज, ए एक मिनट रायान, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है? एक मिनट रायान ही बताएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है. ये भी 100 दफा लिखना है. ठीक है. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, पर अगर याद ना हुआ ये, फिर मैं 500 दफा लिखवाऊंगा. लिख लो ये फॉर्मूला जल्दी से अपने पास. लिख लिए, और जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर लिखना शुरू करना है. ठीक है. ये मिटा दूं? ये कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते आप. यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. तो ये बात नोट करें, अगर ये फॉर्मूला किसी को नहीं आएंगे तो अब ये 100 दफा इसने किया ना, अगली दफा किसी को भूलेंगे तो ये 200 दफा, उससे अगली दफा कोई भूला तो 500 दफा लिखेगा. ठीक है. तो बेहतर है कि आप याद रख लें. मिटाऊं इसको? तो ये मैच कर रहा है फॉर्मूला नंबर 2 के साथ. दिस होल थिंग, तवज्जो, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर. जैसे यहां पे आपने लिखा था ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है. तो यहां पे a कौन है? 3x है. तो 3x का जब स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा? हाँ, 9x स्क्वायर बनेगा. ठीक है. माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a कौन था? ये a था, और ये किससे मैच कर रहा है? ये कौन है? ये b है. ये तो माइनस 2 इंटू 3x विल बिकम 6x, 6x मल्टीप्लाई बाय 2 विल बिकम 12x. तो यहां पे क्या आ जाएगा? 12x प्लस b का स्क्वायर. b कौन था? 2. तो आएगा प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. समझ आई? अब इसको सॉल्व करें जरा. ये क्या बन जाएगा? 10x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू, इन तमाम चीजों को एक ही तरफ उधर भी ले ला सकते हैं आप. ये प्लस 9x स्क्वायर है गर्ल्स एंड बॉयज, दूसरी तरफ आकर ये माइनस 9x स्क्वायर बन जाएगा. माइनस 12x है इधर आकर ये प्लस 12x बन जाएगा. प्लस 4 है ये माइनस 4 बन जाएगा. बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या बन जाएगा? माइनस 4 बन जाएगा. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब जो x स्क्वायर और x स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, इनको सिंपलीफाई करें तो 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना बन जाएगा? x स्क्वायर 8x माइनस 8x प्लस 5x इज माइनस 3x, माइनस 3x प्लस 12x प्लस 9x बन जाएगा. ये बच्चों समझ आ रही है? माइनस 4 माइनस 4 कितना बन जाएगा? माइनस 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. समझ आ रही है कि नहीं? अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक. अरेंज करके पहले से लिखा हुआ है ना, ये गर्ल्स एंड बॉयज अरेंज करके पहले से लिखा हुआ है. x स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है इस वक्त? 1. तो a क्या हुआ आपका? 1. b क्या हुआ आपका? c क्या हुआ आपका? माइनस 8. समझ आ रही है बात कि नहीं? अब फॉर्मूला में पुट करें, x इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला,
चले मैं लिख लेता हूं फिर से, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए, होल डिवाइडेड बाय टू ए। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, माइनस बी डालें, माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू नाइन है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नाइन प्लस माइनस बी का स्क्वायर दैट इज नाइन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना था, सी कितना था, माइनस एट होल डिवाइडेड बाय होल कलर्स टू मल्टीप्लाई बाय वन। गलतियां बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं इसीलिए मैं बहुत ज्यादा स्लो लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग अपने साथ साथ नोट्स में ना एक्स्ट्रा बातें भी लिखते जाएं। अब इसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस नाइन एज इट इज प्लस माइनस नाइन का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस माइनस प्लस फोर एट जर कितना हो जाएगा 32 होल डिवाइडेड बाय 2a, होल डिवाइडेड बाय 2a। बच्चों बात समझ आ रही है? x इज इक्वल टू जी, कोई मसला, कोई गलती हुई, माइनस नाइन प्लस माइनस 81 अंडर रूट 32 मिलके कितना बन जाएगा 113 होल डिवाइडेड बाय 2। यहां से अब दो आंसर्स निकलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस 113 बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस 113 बाय 2। यहां तक क्लियर हो रही है बात क्या नहीं? हाँ, क्योंकि 130 और जो भी वेरिएबल होता था वो एक ही वेरिएबल आएगा, या तो x होगा या तो a होगा सवाल में, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है लेकिन होगा वो एक ही, उसको आप सब्जेक्ट बनाते थे। और सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं आप बताओ अब्दुल्ला हफीज, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कल नहीं चाहिए आंसर, अभी चाहिए। नो अब बताओ तो रहमान, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे हो, एक साइड पे वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे होना चाहिए। वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, पावर उसकी वन होनी चाहिए, कोफिशियंट उसका वन होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी उसका वन होना चाहिए, उसके साथ और कुछ ना लिखा हो, वो होता है सब्जेक्ट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं। समझ आ रही है बात क्या नहीं? अच्छा, वो लीनियर इक्वेशन की बातें थी, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, उसके आंसर्स भी कितने होते हैं, दो आंसर्स होते हैं। उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अलजेब्रिकली आप एक मेथड करते थे फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड आप करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा मेथड आप कर सकते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर, चौथा मेथड आप कर सकते थे बाय कैलकुलेटर, कुछ हैं ग्राफिकल मेथड्स भी हैं वो भी कर सकते थे, लेकिन अलजेब्रिकली अभी आपके सिलेबस में इतने ही मेथड्स हैं। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन को पूरी तरह से समझ लेते हैं, फिर हम जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन के लिए जरूरी है बच्चों, क्या जरूरी है फैक्टराइजेशन के लिए, आप सुन रही हैं कि नहीं? अलीना क्या कर रही हैं आप? फैक्टराइजेशन के लिए जरूरी है कि एक तरफ इक्वेशन के जीरो होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अपने एक्सप्रेशन को लिखना है। याद आ रही है कि नहीं आ रही? एक तरफ जीरो और बाकी तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल आपने लिखना है। क्लियर है ये बात कि नहीं? सो हम इसमें क्या कैसे लिखते थे इसको, इसको लिखते थे माइनस टेन, इसको रीअरेंज करते थे, माइनस टेन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, और इसको सॉल्व करने के अलावा एक और तरीका भी आपके पास है,
अब इस पूरी इक्वेशन का लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, पूरी इक्वेशन की लेफ्ट एंड राइट साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दें, टेन टी स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। मैंने फिर कहा जरूरी नहीं है इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसका माइनस का साइन यहां से कॉमन लेके दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करा दें, तो जीरो डिवाइड बाय माइनस वन विल बिकम जीरो। इन टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, आंसर सेम आएंगे, आंसर्स क्या आएंगे, सेम आंसर्स आएंगे। सो अब क्या चाहते हैं, इसी तरह से सॉल्व करें, पहले प्लस बना लें, इसी तरह करें, असूल वही रहेगा, माइनस टेन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू होगा, आंसर कितना आएगा माइनस ट्वेंटी, कितना आएगा माइनस ट्वेंटी। अब माइनस ट्वेंटी की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो इस तरह से करें, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दो ग्रुप्स को चूज करें कि मैं प्लस माइनस करूं तो वन टी बनना चाहिए, बनता है, पांच और चार फाइव टू जर फाइव फोर जर ट्वेंटी एंड फाइव माइनस फोर इज वन, तो वन टी हमें चाहिए था, बन गया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टेन टी स्क्वायर प्लस फाइव टी माइनस फोर टी प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें खास चीज क्या है, जरा एक चीज भी तवज्जो दें, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट बी सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू टर्म्स, मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू टर्म्स, ऐसा ही है कि नहीं, क्या यहां पे वो चीज फॉलो हो रही है, प्लस फाइव टी मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर टी माइनस ट्वेंटी टी स्क्वायर, माइनस ट्वेंटी टी स्क्वायर, और यहां पे माइनस टेन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टी स्क्वायर, फिर से आ जाएगा, बात समझ आ रही है कि नहीं। सो यहां पे क्या किया जाए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, यहां से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 5t भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5t भी कॉमन ले सकते हैं, जो दिल करे आप इसका आप कॉमन ले, क्या लेना चाहते हैं, 5t या माइनस 5t, 5t ओके, बाय द वे मैं प्लस 5t कॉमन ले लेता हूं, माइनस 5t कॉमन ले लेता हूं, माइनस 5t कॉमन लूंगा तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा 2t, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा 2t, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस 1, बच्चों बात समझ आई, माइनस 5t आपने कॉमन लिया, 2t माइनस 1 आ गया, दूसरे में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लें, यहां पे क्या चीज बच जाएगी 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या होना चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या होना चाहिए, सेम। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को क्योंकि ये सेम है तो इसमें से एक कॉमन आ गया, पीछे जो चीज बचेगी दैट इज माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, समझ आ रही है कि नहीं। इन दो फैक्टर्स को, ये फैक्टर समझ आए बच्चों, ये फैक्टर समझ आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब क्या है, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या तो माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से t की वैल्यू क्या आती है, माइनस 1 पहले उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 उधर जाके पहले प्लस 1 हो जाएगा, और 2 यहां पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे क्या होगा, माइनस 5t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 2 ओवर 5 एक आंसर, दूसरा आंसर क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 1 बाय 2, दो आंसर्स इसके आ जाएंगे। सबको समझ आई मेरी बात के नहीं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है जी, आपको बात याद है उसके बाद मैंने एक बात बोली थी, वो सिर्फ तब बनती है जब यहाँ पे वन पॉजिटिव वन टी स्क्वायर हो, याद आ रही है, भूल गई, पहली बात याद है दूसरी भूल गई है। दूसरी बात ये थी वो तब होता है जब ये लिखा होता ना टी स्क्वायर प्लस समथिंग लिखा होता, समझ आ रही है, तब इस तरह से होता, अदरवाइज नहीं होता। वैसे एक छोटी हिंट बताई थी आपको मैंने, ठीक है। अच्छा यहां पे मिड टर्म ब्रेक नहीं अप्लाई होगा, यहां पे सिंपल क्या होगा,
कॉमन लेना, सिंपल कॉमन लेना। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, तीसरी टर्म तो है ही नहीं इसमें, क्या ख्याल है? मिड टर्म के लिए क्या होना चाहिए? पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीन टर्म्स आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए तो मिड टर्म बनती है। यहाँ पे तो आपका सिंपली क्या होगा, कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे नोट करो, ये भी दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो एक दफा ये भी एक फैक्टर है और एक ये वाला भी फैक्टर है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 या तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ जाएगा और यहां से एक आंसर आएगा 5x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? 2 अपॉन 5। इन आंसर्स का मतलब कल भी समझाया था मैंने कि आप इन आंसर्स को अपनी इक्वेशन के किसी भी स्टेप में पुट करके देखें तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर ही आएगी, इक्वल आएगी। क्या आएगी? इक्वल आएगी। जरा ट्राई करके चेक कर लेना, आंसर सेम आए। मतलब लेट्स से आप जीरो डालते हैं ना इसमें, 5 इंटू 0 इज 0, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 लेफ्ट साइड पे, राइट पे भी क्या बना हुआ है, 0 बना हुआ है, राइट पे भी क्या बना हुआ है, 0। इसी तरह से 2 अपॉन 5 है, अब 2 अपॉन 5 इधर डालें, जिधर मर्जी डालें आंसर सेम आएगा। डाल के दिखाऊं, यहां पे जरा रीचेक करते हैं, 5 इंटू 2 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 बाय 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 25 माइनस 4 बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है कि नहीं? ये 5 लिखा हुआ है, नीचे 25 लिखा हुआ है, 5 वन्स आर और 5 फाइव्स आर। तो पहली फ्रैक्शन है 4 बाय 5, दूसरी फ्रैक्शन भी है माइनस 4 बाय 5 इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या थी, 0। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। सेल लेके आइएगा जरा, सेल दिस सेल, इसके यहां तक बात समझ आ रही है सारों को? तो ये था वैसे ही रीचेक करने का तरीका कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है ठीक। बच्चों को समझ आ रहे हैं? कोई इस मेथड में फैक्टराइजेशन में कोई मसला है तो प्लीज पूछें, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी सर, वो x क्या हुआ, ये वाला एक x ये आ गया और एक फैक्टर है, यानी कि एक ही फैक्टर ये वाला है, ये वाला, और दूसरा फैक्टर कौन से वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कॉमन ले लिया था ना हमने, ठीक है। और ये वाला भी क्या है आपका, एक फैक्टर। कश्यप नजर आ रहा है, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, रेड कलर से नजर आ रहा है, ये रेड कलर वाला नहीं आ रहा, मार्कर नहीं यूज करता। व्हाइट बोर्ड पे नोट करें ना, तो जब मैं बोल रहा होता हूं तो साथ साथ लिख भी रहा होता हूं, तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है। ये तो मैंने रीचेक, तो मैंने देखे ना, ये वाली वैल्यू उठाई है, ये वाली वैल्यू मैंने, ये भी उठा के चेक की और ये भी चेक, ये तो मैंने ओरली चेक कर ली थी, ये ओरली चेक कर ली थी, और ये वाली मैंने उठा के बाकायदा प्रूफ करके दिखाई। जीरो जरा इसमें डालो, 5 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, माइनस 0 इज, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आंसर आया, राइट पर क्या बना हुआ है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। जी यहां तक समझ आई? फिर मैंने 2 ओवर 5 इसमें बाकायदा प्रूफ करके दिखाया कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 का x का स्क्वायर था,
एक्स की वैल्यू पुट की है मैंने उसमें, ये प्रूव करने के लिए। जो आप कहते हैं ना कि सॉल्व द इक्वेशन, ये जो लव्स नहीं होता सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लिखें अपने पास, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। लिखें, सॉल्व द इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और इक्वेशंस में हमेशा आपको यही सवाल मिलेगा, सॉल्व द इक्वेशन। सवाल है तो पूछो, लास्ट रो सवाल है, सॉल्व द इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक मिनट, लिख लिया फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अच्छा, वंस द वैल्यू इज फाउंड, लिखें, वंस द वैल्यू इज फाउंड, वंस द वैल्यू इज फाउंड, वंस द वैल्यू इज फाउंड, वी कैन रीचेक द आंसर्स, वी कैन, वंस द वैल्यू इज फाउंड, वी कैन रीचेक द आंसर्स बाय पुटिंग देम, वी कैन रीचेक द आंसर्स बाय पुटिंग देम, by putting them in the equation, by putting them back in the equation, by putting them back in the equation, to recheck whether the answer is correct, to recheck whether the answer is correct or incorrect, to check whether the answer is correct or incorrect, correct or incorrect, if after putting the answers, if after putting the answers left hand side, if after putting the answers left hand side of the equation, left hand side of the equation, if after putting the answers left hand side of the equation is equal to right hand side, is equal to right hand side, then the answers are correct, then the answers are correct, then the answers are correct, सही है? Otherwise answers are incorrect, ठीक है ना? तो ये मैंने करके भी दिखा दिया। अब देखें, जिस तरह टी वाला सवाल था, आप इसमें से भी कोई भी आप इसमें से उठाएं, वन बाय टू उठाएं, किसी भी स्टेप में आप पुट करके देखें, अगर राइट पर जीरो लिखा हुआ है तो नेचुरली लेफ्ट पे जीरो आएगा, राइट पे अगर टू लिखा होता तो लेफ्ट पे भी सॉल्व करने के बाद आपका टू ही बनता। समझ रहे बात के नहीं? इसका मतलब यह है कि 1 बाय 2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? सवाल है। अब आए जरा सेकंड प्रोसेस की तरफ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ, दैट इज मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 2। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इक्वेशन को जनरली हमें लिखना किस तरह से है। इसमें भी इक्वल टू जीरो ही करना होगा, लेकिन जनरल फॉर्म आपको जरा दिखा देता हूं। जनरल फॉर्म ऑफ, लिख लें अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। One side of the equation must be equal to zero.
वन साइड ऑफ द इक्वेशन बना है मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशियंट है वो हमेशा क्या कहलाता है, ए। एक्स के साथ वाला कोफिशियंट क्या कहलाता है, बी। और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सिंपल विदाउट एनी वेरिएबल, सी क्या है कॉन्स्टेंट, ए और बी क्या है कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ए और बी क्या है कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। बात समझ आ रही है बच्चों को कि नहीं आ रही, आसान है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव भी किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डिराइव किया था, इसी क्लास में किया था, ठीक है। लेकिन वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे की थी। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय टू ए। ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी, बी ये जो माइनस है ना ये फ्रैक्शन का माइनस नहीं है, दिस इज माइनस ऑफ ओनली बी, सिर्फ बी का माइनस है, फिर आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए। ठीक है, ये बी जो है ना माइनस बी के साथ है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। अब इस वक्त जब देखा जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशियंट है, तवज्जो रखें ये क्या लिखा हुआ है, वन। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी गर्ल्स, गर्ल्स ए हो जाएगा वन। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी विद साइन बताया करें, थ्री। और सी कितना हो जाएगा, माइनस फोर। सी कितना हो जाएगा, माइनस फोर। सिंपली पुट दीज वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड हेंस यू विल फाइंड योर आंसर। सो एक्स आएगा माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू थ्री थी तो यहां पे क्या लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी कितना था, थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज वन एंड सी इज माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू ए, दैट इज टू इंटू वन। बच्चों समझ आ रही है बात, सबको समझ आ रही है वैल्यू पुटिंग, समझ आई। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस, सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय टू, सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर कितना होता है, नाइन माइनस माइनस प्लस फोर, फोर जार सिक्सटीन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, हमजा क्या नहीं समझ आ रही, कुछ सवाल है। सो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइनटीन प्लस सिक्सटीन कितना हो जाएगा, बच्चों बताइए, नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव होता है ना, डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट ट्वेंटी फाइव का आंसर फाइव होता है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव ओवर टू, माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव ओवर टू। इसका मतलब ये है गर्ल्स एंड बॉयज, एक आपका आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव के साथ माइनस थ्री प्लस फाइव ओवर टू, और दूसरा आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फाइव ओवर टू, माइनस थ्री माइनस फाइव ओवर टू। बात समझ आ रही है,
यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल्स टू 2/2 और यहां पे जो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -8/2। एक आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू -4। दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -4। समझ आ रही है? अब याद करो जरा जुरैर, ये वाला जो सा क्वेश्चन था सेम हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया कल कि नहीं किया, पहले किया था ना, उसके आंसर्स क्या आ रहे थे? आंसर्स निकाल के देखा जरा, जरा लास्ट लेक्चर वाला जो पुराना फैक्टराइजेशन मेथड वाला वो जरा निकाल के चेक करें क्या आंसर्स आ रहे थे उसमें बच्चों, सेम आंसर्स आ रहे थे उसमें? देखें क्वेश्चन सेम था डिफरेंट था, अच्छा वो उसमें -3 था, यहां पे क्या लिखा हुआ था -3x+4 था ना, -4 ही था, -3 -4, उस हिसाब से आंसर थोड़े डिफरेंट। लेकिन अगर इसको हम मैं मिड टर्म ब्रेक से भी करूं तो आंसर्स क्या आएंगे इसके, 1 और -4 ही आएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं बच्चों, क्लियर है ये चीज? अच्छा अच्छा तो वो जो रखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जरा अपने पास नोट डाउन कर लें। राफे नजर आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने पास नोट कर लें। जीरो डिवाइडेड बाय, समझो जीरो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो या 10 डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। जनरली कहा जाए और ये जो सी वैल्यू है 0/0 ये क्या होगा, व्हाट इज 0/0, 1 नकमो, यस दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिटरमिनेंट फॉर्म। अगर आप ऊपर वाला जीरो कंसीडर करते हैं तो वो तो आपको जीरो आंसर दिलवा देगा फॉलोइंग दिस फर्स्ट स्टेप, पहला रूल के मुताबिक। क्यों बताए उसकी, ये माइनस का निशान, अगर मल्टीप्लाई होता तब अलग कर देते। इसको सॉल्व करें कितना बन जाएगा, अब एक बच्चा इसको 12x लिख रहा था, 12x नहीं है, 12x² -4x -2 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा कितना, 2x को जरा दोनों से मल्टीप्लाई कराओ कितना आता है 10x² बच्चों, कितना, पहली टर्म तो ये बन जाएगी दो टर्म्स 10x² + 2x, यस और नो? अब दूसरा क्या है, -1 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, -1 × 5 इज -5x - 1, नजर आ रहा है? अब जितनी भी चीजें हैं उन सारों को इक्वेशन के एक तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा 10x² - 4x - 2 -10x² + 2 - 5 कितना होता है -3, -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3x, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 = 0, +1 = 0। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, 12x² - 10x² मिला के कितना बन जाएगा 2x² कितना बन जाएगा 2x², क्लियर हो रही है मेरी बात? -4x + 3x मिलके कितने बन जाएंगे
माइनस एक्स या माइनस वन एक्स। माइनस टू प्लस वन कितना बन जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। समझ आ रही है मेरी बात, सब बच्चे बताएं। अब इसमें क्या अरेंज होके लिखी हुई है बात, अरेंज होके लिखी हुई है कि नहीं, कैसे x स्क्वायर पहले फिर x बाद में और विदाउट x सबसे आखिर में। a कौन है इसमें, b कौन है इसमें, c कौन है इसमें, वैल्यूज पुट करें फॉर्मूला में। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस किसका है ये, ये माइनस किसका है, ये माइनस किसका है सात, ये माइनस किसका है फॉर्मूला का। फिर इसके बाद क्या आएगा, माइनस बी माइनस फॉर्मूला का, b की वैल्यू अपनी कितनी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी खुद क्या था माइनस वन था, तो कितना किसका स्क्वायर आएगा, किसका स्क्वायर आएगा माहम, किसका स्क्वायर आएगा माहम वसीम। फिर आएगा माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ए था टू सी था माइनस वन, नजर आ रहा है सारों को कि नहीं, होल डिवाइडेड बाय टू इंटू ए, होल डिवाइडेड बाय टू इंटू ए। बच्चों सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, माइनस माइनस कितना हो गया ये माइनस इंटू माइनस वन, ये आ जाएगा पॉजिटिव वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन का होल स्क्वायर इज वन, फोर टू जार एट इंटू वन इज एट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस एट कितना होगा अंडर रूट नाइन होल डिवाइडेड बाय फोर, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस थ्री ओवर फोर। यहां से अब क्या होंगे, दो आंसर्स निकलेंगे, x इज इक्वल टू वन प्लस थ्री ओवर फोर और x इज इक्वल टू वन माइनस थ्री ओवर फोर। एक वैल्यू कितनी बनेगी फोर ओवर फोर, x की वैल्यू वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू ओवर फोर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर, यानी के हाफ, यानी के हाफ। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो सा है ये वो एक ऐसा खास फॉर्मूला है जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, जिसके आंसर्स डेसिमल्स में आए या जिस तरह से मर्जी आए। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं। अब हमने एक सवाल पढ़ा था, क्या ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ये, एक मिनट, हो सकता है, इसमें क्या गलती है, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व्ड। द स्टूडेंट्स हु कैन हु आर सेइंग दैट लाइक, जिनका एक आर्ग्यूमेंट है कि ये नहीं हो सकता, बताएं कौन है, हाँ रीजन दें, ओके वन ऑफ द ऑप्शंस, तीन टर्म्स नहीं है, वन ऑफ द ऑप्शंस जिनका ये आर्ग्यूमेंट है, और कोई, और कोई जो कहता है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं कर सकते, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि तीसरी टर्म नहीं है। मैं ये कहता हूं कि तीसरी टर्म है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं, प्लस वन किस खुशी में है, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो है, वन तो आप खुद से नहीं डाल सकते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए तो नेसेसरी होता है एक तरफ जीरो हो दूसरी तरफ तो जो मर्जी हो। यहां पे एक ही, देखें अगर आप कहते हैं ना, मेरी बात सुने, आप कहते हैं प्लस वन, तो ये किस खुशी में प्लस वन डाला, जो बच्चे कह रहे हैं इसमें प्लस वन है, किस खुशी में प्लस वन है, प्लस वन तो तब होता जब इधर भी क्या होता, अब यह बैलेंस्ड है, फिर इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की शर्त क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक तरफ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। क्या इसके एक तरफ जीरो है,
नहीं नहीं, जीरो प्लस वन विल बिकम जीरो और वन, तो ये जीरो प्लस वन बन के वन, इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो इनका आर्ग्यूमेंट था कि सर इधर भी वन लिखें, तो इधर तो वन नहीं लिख सकते थे बच्चों, इसीलिए मैंने जब कहा कि वन लिखा तो इधर भी वन आपको लिखना चाहिए था ताकि बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इस क्वेश्चन पे अब इस वक्त इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। कब हो सकता है, जब यहां पे क्या हो जीरो, और वो सिर्फ तब मुमकिन है जब यहां पे कैसे लिखा हो, ये सिर्फ जीरो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि ए इसमें कितना है, बी कितना है और सी कितना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो तो बात की बात है, रुक जाएं, देखें पहले क्या होता क्या, देख लें थोड़ा सा, यहां तक बात सबको समझ आ रही है। ये c की वैल्यू इसमें जीरो है। अब जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें जब वैल्यूज पुट की जाएंगी माइनस फॉर्मूले का, b की जगह क्या आएगा 2, प्लस माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 5, c की वैल्यू कितनी होगी 0 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज माइनस 4 इंटू 5 इज 20 इंटू 0 इज, तो प्लस कितना हो जाएगा ये होल डिवाइडेड बाय 10। ये लिख रहे हैं साथ साथ के नहीं? मैं ये लिखने का मकसद यह है कि बात समझाऊं कि हर सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हो सकता है, लेकिन हम नहीं करते ना समटाइम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल, समटाइम फैक्टराइजेशन आसान होती है, समटाइम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आसान होता है, समटाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करूंगा तो समटाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर आसान होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हर मेथड को इक्वली बेहतरीन तरीके से सीखें और उसके बाद फैसला आप लिया करें कि एक सवाल में अप्लाई कौन सा मेथड किया जाए, आसान कहां से होगा, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब इंसान की प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो। अच्छा, इसके बाद हो गई है x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस जीरो इज फोर होल अंडर रूट टेन, x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस टू होल डिवाइडेड बाय टेन, x इज इक्वल टू माइनस टू, एक दफा माइनस टू ओवर टेन, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू ओवर टेन, एक दफा होगा माइनस फोर ओवर टेन, दिस इज माइनस टू अपॉन फाइव, और एक दफा होगा जीरो ओवर टेन। एक्स का आंसर कितना, इंफिनिटी क्यों आएगा, जीरो तो न्यूमिनेटर में है, जीरो आ जाएगा, तो एक आंसर कितना आएगा इसका जीरो, दूसरा आंसर आएगा माइनस टू अपॉन फाइव। तवज्जो से सुने, एक आंसर आएगा जीरो, दूसरा आएगा माइनस टू ओवर फाइव। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब देखें इस सवाल को जब हमने मिट उससे फैक्टराइजेशन से किया था तो तीन लाइनों में सवाल क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। कितनी लाइनों में, तीन लाइनों में। लेकिन जब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया तो क्या ये तीन लाइनों में सॉल्व हुआ? वक्त ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा लग रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कुछ सवाल इस तरह के होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फेवरेबल नहीं होता, तो आपके अंदर एक अकल इंड्यूस हो जानी चाहिए। जितना भी होमवर्क आपको दिया है वो खुद अगर आप करेंगे ना, तो एक नेचुरली एट द एंड ऑफ द होमवर्क एंड लर्निंग द क्लास वर्क, एक सेकंड प्लीज, क्लास वर्क समझने के बाद और होमवर्क खुद अटेम्प्ट करने के बाद एक अकल नेचुरली इंड्यूस होती है कि इंसान में करना क्या है। एक सवाल को मिडटर्म से करूं सॉल्व हो जाएगा, सवाल को क्वाड्रेटिक से करूं सॉल्व हो जाएगा, या किससे करूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा।